सो हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक्स हुआ। दोस्तों, मोबाइल में पॉपअप एड्स को कैसे बंद करते हैं, एडवेयर वायरस को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल के स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे हैं, जो पहले नहीं आ रहे थे लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे हैं, तो आपके मोबाइल में पक्का दोस्तों एडवेयर वायरस आ चुका है जिसकी वजह से एड्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वायरस को दोस्तों डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका मोबाइल पहले जैसे एकदम ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फिलहाल मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुका है। कल के दिन में इंटरनेट पर मैं कुछ कर रहा था, तो गलती से दोस्तों मैंने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया जो दोस्तों एडवेयर वायरस था, मुझे बाद में पता चला। और अभी भी वो दोस्तों मेरे फ़ोन में है, लेकिन मैंने तरीका ढूंढ लिया है कि उसको कैसे डिलीट करना है। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ और लाइव दोस्तों आपके सामने इस वायरस को मैं रिमूव करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में, गलती से बहुत सारे लोग एडवेयर वायरस को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बकवास बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गई। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद अभी मैं आपको ये बताता हूँ आपके मोबाइल में वायरस है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा एडवेयर वायरस है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों चले जाना है ऐप मैनेजमेंट में, और आपको यहाँ पर चले जाना है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स। देखिए, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स ये ऑप्शन मिल जाएगा आपके मोबाइल में आपको। तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको जाना है, तो देखिए एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसका मुझे आइकन भी नहीं दिख रहा है और नाम भी नहीं दिख रहा है आपको दिख यहाँ पर। और ये क्या होगा दोस्तों, एनेबल होगा इस तरह से। मैंने इसको थोड़ी देर पहले बंद कर दिया है ताकि ये मुझे ऐड ना दिखा पाए। तो यहाँ पर ये एनेबल होगा इस तरह से, तो आपको भी इसको बंद कर देना है। इसको बंद करने से क्या होगा, ये आपको ऐड नहीं दिखा पाएगा। स्क्रीन पर जो ऐड आता है आपका मोबाइल का लॉक स्क्रीन, जब आप खोलते हैं तब वहाँ पर ऐड आ जाता है। आप मोबाइल में कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर भी ऐड आ जाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं भाई। तो इससे तो पक्का ये कंफर्म हो गया कि आपके मोबाइल में एडवेयर है। अभी दोस्तों बाहर आ जाते हैं, और आपको दोस्तों यहाँ पर चले जाना है परमिशन मैनेजर में। सॉरी, परमिशन मैनेजर में मत जाइए, स्पेशल ऐप एक्सेस में जाइए और नोटिफिकेशन एक्सेस में जाइए। और यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी एंड्रॉयड आइकन के जैसा एप्लीकेशन है उसका नोटिफिकेशन बंद कर देना है। देखिए, अगर यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशन इस तरह से होगा तो आपको दोस्तों उसको बंद कर देना है, डिसअलाउ कर देना है। अभी इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर चेक करना है, क्योंकि डिजिटल वेलबींग, देखिए अपने मोबाइल के सेटिंग में यहाँ पर एक गूगल का एक चीज़ होता है डिजिटल वेलबींग, तो इस पर दोस्तों यहाँ पर क्लिक किया, इसके अंदर गया, तो ये दोस्तों हमको बता देता है कौन से ऐप ने हमको कितना नोटिफिकेशन भेजा था, कितनी तारीख को। तो स्क्रीन टाइम है ऊपर, तो नोटिफिकेशन रिसीव में यहाँ पर मैं कर देता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज के दिन में एक एप्लीकेशन ने मुझे 25 नोटिफिकेशन भेजा है जिसका आइकन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों ये एडवेयर ही है, इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर इसका नाम भी नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर यस्टरडे की बात करूँ, टुडे यहाँ पर 25 नोटिफिकेशन इसने भेजा है, और यस्टरडे मुझे 32 नोटिफिकेशन इसने भेजा है, 32 बार ऐड दिखाया था कल, और आज ये मुझे 25 बार ऐड दिखा चुका है। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया आप लोगों की तरह। तो यहाँ पर दोस्तों मैनेज नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इसका नोटिफिकेशन आप बंद कर पाओगे, लेकिन मैं डिलीट करना भी दिखाऊँगा आपको यहाँ पर, लेकिन बस थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ बस आप लोगों को। तो ये भाई कितनी बार हमको ऐड दिख गया था, ये भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाता है। और भी बात मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बताने जा रहा हूँ। आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में मोबाइल में, और प्रोसेस मैनेजर में जाना है। अभी थर्ड पार्टी ऐप के अंदर आपको यहाँ पे वो एप्लीकेशन दिखेगा जिसका नाम वाम कुछ नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पर रन कर रहा होगा, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर वो रन कर रहा है दोस्तों। अभी और भी मैं क्लू आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। बैटरी में जाना है मोबाइल के अंदर, और आपको देखिए ऐप बैटरी मैनेजमेंट के अंदर जाना है, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ये आपके मोबाइल का बैटरी कंज्यूम कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर भी लिस्ट में वो आपको दिख जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही पकड़ लिया था, तो देखिए सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहा है। इसका मैंने बैकग्राउंड डेटा बंद कर दिया है ताकि ये मेरे बैकग्राउंड में, मोबाइल के बैकग्राउंड में रन ना कर पाए। रन नहीं करेगा तो ऐड भी नहीं दिखा पाएगा। आप देख सकते हैं अभी ऐड भी नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल में। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन है, तो अलाउ फोरग्राउंड,
फोरग्राउंड एक्टिविटी इसको मैंने बंद कर दिया था। जैसे देखिए एयरटेल है तो एयरटेल का नाम आ रहा है, ये एनेबल है तो इसको यहाँ से ऐसे आप बंद कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का मैंने बंद कर दिया, अभी ये चीज़ हो गया। आप तुरंत ऐड कैसे बंद करेंगे इतना कर लोगे तो ये एप्लीकेशन आपको परेशान नहीं करेगा, ऐड नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको जो परमिशन आपने गलती से दिया था वो आपने वापस बंद कर दिया। अभी इसको डिलीट कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। और सॉरी थोड़े देर के बाद बता रहा हूँ डिलीट कैसे करना है, लेकिन यह थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था कैसे आप इसको रोक सकते हैं ऐड आने से। अभी एक निंजा टेक्निक है मेरे पास दोस्तों, स्टोरेज में जाऊंगा, मैं मोबाइल के स्टोरेज के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मुझे जाना है ऐप्स के अंदर। मेरे पास दोस्तों रियलमी का फ़ोन है, एक कैलकुलेटिंग कर रहा है, तब तक रुक जाना है। ऐप्स यहाँ पे आ रहा है, देखिए ऐप्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मुझे वो ऐप्स मिल जाते हैं, मुझे मैंने सबसे ज़्यादा डेटा किस एप्लीकेशन में है मेरा, तो वो व्हाट्सअप में है देखिए यहाँ पे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है आपको, और आपको एक ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा आपके मोबाइल के अंदर जिसका आइकन नहीं होगा, जिसका नाम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये एप्लीकेशन मुझे दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये एडवेयर दोस्तों यहाँ से मेरे मोबाइल से निकल जाएगा। तो देखिए इसको मैं अनइंस्टॉल यहाँ से कर रहा हूँ, तो वापस मुझे पूछ रहे हैं अनइंस्टॉल करना है, तो बिल्कुल भाई इसको करना है, मैंने इस पर ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो ये वायरस था ये डिलीट हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा ये डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम बैटरी में जाएंगे और यहाँ पर उस एप्लीकेशन को मैंने पकड़ के रखा था, तो ये दोस्तों यहाँ से जा चुका है आप देख सकते हैं। और मैंने पहले भी आपको यहाँ पे दिखाया था कि आपको चले जाना है कहाँ पे जाना है, ऐप मैनेजमेंट में, तो ऐप मैनेजमेंट में चले गया। उसके बाद डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स में आपको मैं लेके गया था और ये एप्लीकेशन यहाँ पर सबसे नीचे था। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाला एप्लीकेशन यहाँ से गायब हो चुका है, मतलब वो यहाँ से जा चुका है। और जो परमिशन वाला ये चीज़ था यहाँ पे आप दूसरे दिन चेक कर लेना, यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। ये दो दिन मेरे मोबाइल में था इसलिए इसने दो दिन ही भेजा था। इसमें डिजिटल वेलबींग में चला जाऊँगा और इस पर क्लिक कर देना है बीच में, और वापस यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव के अंदर जाएंगे तो वो वाला ऐप यहाँ से गायब हो चुका है जिसने हमको नोटिफिकेशन दिखाया था। तो ये प्रूफ है दोस्तों कि मैनुअली इस तरह किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल किए बिना इस वायरस को आप इस तरह से अपने मोबाइल से भाई निकाल सकते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था इस वायरस ने, तो मैं इसके पीछे ही लग गया कि भाई तुझे तो मैं कैसे भी निकाल के रहूँगा। तो मेरे मोबाइल में ऐसे वैसे किसी भी सेटिंग के अंदर मैं घुस गया तो इसको मैंने पकड़ डाला कि भाई अब तो तेरी खैर नहीं, निकाल के रहूँगा और दूसरे जो भी लोग हैं उनको भी बताऊँगा कि तुझे कैसे निकालना है। तो इस वायरस को दोस्तों इस तरह से आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब दोस्तों आपके मोबाइल में लॉक स्क्रीन पे भी ऐड नहीं आएगा, ऐसे मोबाइल को यूज़ करोगे तब भी दोस्तों ऐड नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, लेकिन एक बात और बता दूँ, इस तरह से अगर बाय चांस ये एप्लीकेशन नहीं जा रहा है 100% तो चला ही जाएगा मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप प्ले स्टोर से कुछ वायरस रिमूवल वाले एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है AVG एंटीवायरस, इसको इंस्टॉल करके आप स्कैन कर सकते हैं ऐप्स, और भी बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशन हैं उनको भी दोस्तों आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। रिमूव वायरस ऐसा लिखना है प्ले स्टोर में, और यहाँ पर जितने भी ऐप्स होते हैं वो पूरे ट्रस्टेड होते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है उस वायरस को पकड़ने का। जब भी ये एप्लीकेशन स्कैन करेंगे आपके मोबाइल के सारे ऐप्स को तो वहाँ पर वो वायरस पकड़ में आ जाएगा और वहीं एप्लीकेशन से आप उस वायरस को डिलीट भी कर पाओगे। लेकिन मैंने पहले दोस्तों आपको मैनुअल तरीका बता दिया, किसी भी ऐप का इस्तेमाल किए बिना आसानी से इस वायरस को दोस्तों आप निकाल सकते हैं। तो अभी ये बताना चाहूँगा भाई, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे अच्छे वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।